जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कल जैसा कि देखा हमने एमपीपीएससी का पेपर हुआ है। एमपीपीएससी में इस साल बैठने वाले सभी धुरंधर छात्रों को मेरा सलाम है। बहुत अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम हुई है बहुत सारे संस्थान में। किसी की बात को काटना नहीं चाहूँगी, पर बहुत सारे संस्थानों का मानना है कि पेपर इजी था, तो पेपर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। पेपर हालांकि टफ ही था, टफ से ऊपर का लेवल था, अच्छा खासा लेवल। अगर आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर देखोगे आप, तो उनके कंपैरिजन में देखें तो बच्चों ने जो प्रिपरेशन करी थी उन पेपर को एनालिसिस करके करी थी, क्योंकि फैक्चुअल डाटा बहुत सारा था। लेकिन इस बार का जो पेपर हुआ थोड़ा सा टफ हुआ। हालांकि पेपर ऐसा ही होना चाहिए, पेपर एमपीपीएससी का है तो एमपीपीएससी का लेवल ऐसा ही होना चाहिए। पेपर अच्छा आया था नो डाउट, और थोड़े से रूमर्स थे शाम के वक्त पर एक दिन पहले, फिर लोगों को रूमर्स में थोड़ा सा बच्चों का उधर ध्यान कन्वर्ट हो गया कि जैसा एनटीए में हुआ नीट नेट के यूजीसी नेट के एग्जाम में हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई है। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आगे की प्रिपरेशन जो मेंस की तैयारी है उसको कर पाएंगे। एक बार देख लेते हैं। देखिए जो एमबीबीएससी प्री है 2024 का कट ऑफ, इसमें कैटेगरी अगर यूआर है जनरल कैटेगरी से है तो मेल के 74 to 78 अगर मार्क्स हैं तो, और फीमेल के 73 to 76 मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई भी दो मत नहीं है। अगर आपका इतना आ रहा है और आप में फीमेल्स में अगर आपके नंबर 73 to 76, देखिए ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चंस ऑफ नंबर है, मतलब ये प्रश्नों की संख्या है। अगर आपके इतने प्रश्न ठीक हैं तो आप इसके नंबर जोड़ोगे तो आप इसका डबल कर लो, ठीक है। चल यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूसी में देखेंगे तो इनके अगर 72 or 75 में अगर आपके नंबर हैं तो आप मेंस की निश्चिंत होकर तैयारी करिए। अगर फीमेल में है तो 72 to 74 नंबर है, हालांकि ये 75 तक भी जा सकता है, सेम भी रह सकता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हम एससी में बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में 69 to 72 अगर मार्क्स आपके, आपको लगता है कि आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो फिर आप प्रिपरेशन कीजिए। एससी में फीमेल का कट ऑफ 68 to 71, ओके। एसटी में देखोगे तो 64 to 67 अगर इनके बीच में आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए मेंस की। 63 to 66 जो नंबर है इसमें आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप देखेंगे है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएच वर्क जो आता है 62 to 65 नंबर अगर आपके आते हैं तो इसके बीच में भी आपके अगर नंबर है ना तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी आप चालू कर दीजिए। और 61 to 64 अगर फीमेल में हैं तो फीमेल में आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, एक सर्विस मैन के लिए 63 to 64 और 63 to 64 यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है। मुझे लगता है मेल और फीमेल दोनों के ये सेम ही रहने वाला है इस बार का कट ऑफ। तो थोड़ा सा ये हमारा कट ऑफ एनालिसिस था। हालांकि पेपर बहुत कठिन था, पेपर कल हो चुका है, तैयारी सबने कर ली थी, बहुत मेहनत करी है आपने, लेकिन कभी कभी पेपर कठिन हो जाता है। कट ऑफ भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा, कट ऑफ थोड़ा सा लेवल कम जाएगा कट ऑफ का, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे की तैयारी कीजिए। जिसका पेपर नहीं सही हुआ है उसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जीवन आगे भी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, हमें बिल्कुल लग के पढ़ाई करनी है। कल जैसे कॉल आते बच्चे रो रहे हैं, आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, आपको आपके आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। एमपीपीएससी है, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट, पर यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये कट ऑफ अगर आपके हैं, इनमें से कुछ भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।